iPhone 13 Pro Max. यूट्यूब फैमिली कैसे, आई होप कि सारे बड़ी होंगे आप, और पीछे पूरा मौसम दिख रहा होगा साफ है, और दोपहर के अभी 2 बज रखे हैं और 2 बजे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, और पीछे थोड़े हमारे गांव के लड़के आ रखे हैं और क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, और गेंद फिर से नीचे गिर गया, क्रिकेट खेल रहे थे यहाँ पे और गेंद गया बिल्कुल वहाँ नीचे, और वो जो है राहुल लाने गया गेंद को और इन्होंने दोबारा से फेंक दिया नीचे। वो देख सकते कि दूर चला जाता है यहाँ से गेंद, अगर यहाँ से जरा सा भी बाहर को खेला तो वो चला जाता है नीचे। और वो देख सकते हो सरसों के फूल पूरे हमारे खेतों में, अभी सरसों का सीजन है, मतलब विंटर में सरसों ही लगते हैं, तो सरसों है पूरे ऊपर तक गांव में जितने भी खेत दिख रहे हैं। और फिलहाल मैं भी थोड़ी देर क्रिकेट खेलूंगा, फिर उसके बाद प्लान है हमारा नहाने का, तो इनके साथ अभी क्रिकेट खेलता हूँ। नीचे चल हाँ से नीचे से हम गेंद करा रहे हैं और वहाँ पर विकेट लगाई हुई है और नीचे है आउट, जो नीचे खेलेगा वो बोल्ड हो जाएगा। तो हमारे राहुल जी हैं वो गेंद ला ले आए हैं नीचे से, और ये अनिल ने पकड़ लिया है, काफ़ी नीचे से लाया वहाँ से जंगल में, वहाँ नाले के नज़दीक पहुँच गया था। और कैसी हालत हुई है भाई? तो ये हमारे अंकु जी फ्री फायर के प्लेयर, और ये अनिल गेंद कराता हुआ, मुकेश की बैटिंग आई है अभी, और देख सकते हैं ये बातचीत पहाड़ी में बातचीत हो रही है। ये हमारे अनिल जी जो है पहाड़ी में कुछ बोल रहे हैं मुकेश जी को, और मुकेश जी बोल्ड होते हुए बिल्कुल नीचे ही गेंद चली गई है। फिर से गेंद जो है, अभी 2 ही बॉले खेल लिए और फिर से नीचे चला गया गेंद, मुकेश जी आउट हो चुके हैं। जी कैसा लग रहा है दूसरी गेंद में बोल्ड होने का? सो ये वो पहुंच गया नीचे, अब जो नीचे को खेलेगा वो ही लाएगा गेंद, ये रूल है हमारे क्रिकेट का। और अभी अनिल की बैटिंग आई है, iPhone 13 Pro Max। और अभी अभी सुन सकते हैं पहाड़ी में बातचीत, आओ चलिए। और इसके फादर का कॉल आता हुआ कि आ जाओ भाई घर वापिस बुला लिया गया है। भाई इस फोन के मैं रेट 10,000 रख रहा हूं, जाना पहुंचाई क्यों कर वीडियो बनाएंगे भाई, लड़ रहा है हमारे बात नहीं करेंगे ना भाई जी, टेको का लड़ा गया है तो गेंद वो देखो चारणा एक्सप्रेस दबा। अभी जो है मेरी बैटिंग आ चुकी है, ये बोल्ड हो चुका है, तो अभी हम खेलेंगे जी। चलो हट जी बॉल कराओ, ये देखो प्रत्यांश रॉय का शॉट, वाओ व्हाट अ शॉट मैन, ये देखो पुल, ओ माय गॉड, दोनों फील्डर के बीच से 4 रन मिलेंगे। आप देख सकते हो ये गया भाव मुकेश, और ये गेंद की कैमरा पकड़ू तुम पकड़ ला, ओह ये गया फिर कहाँ पे गया, चलो बबरू भाई किधर से गया, से गया कहाँ पर, उधर से पहुंचा कहाँ, ये तो भाई आपको जाना पड़ेगा ब्रो, ये तो आपने अब मेरे को नहीं पता, पर अभी मेरे से जो है नीचे को शॉट लग गया एक, तो अभी मैं नहीं लेने को जा रहा, मैं नहाने वाला हूँ, आप लोग खेलो यहाँ पे ठीक है, आप ही जाओगे भाई। आप देख सकते हो इस लैंटर से वहाँ नीचे को खेल दिया अभी, और अभी मैं जा रहा हूँ गेंद लाने, क्योंकि जो खेलता है नीचे को वही लाता है गेंद, तो बहुत ही नीचे चला गया, अभी दिखाता हूँ कहाँ पहुँच गया, यहाँ से गया था, यहाँ से वहाँ नीचे रुका है, सो भाई यहाँ पे नहीं है, कहाँ पे पता नहीं, गेंद कहीं पे नहीं है, यहाँ यहाँ से गया होगा शायद, यहाँ से ऊपर से
यहाँ को अब नीचे ही चला गया। अभी आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसी झाड़ियों में पहुँच चुका हूँ। और यहाँ से देखो आप, बिल्कुल यहाँ पे कहाँ पे ढूंढे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ से ऊपर से आया गेंद, वो घर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और अभी समझ में नहीं लग रहा है कि आया किस साइड से। और पूरा यहाँ पे घुस घुस के देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि यार मुझे लगता है अभी नहीं मिलने वाला है। ऊपर ही चलते हैं। पूरा नीचे तक ढूंढ के आया हूँ, अभी तक नहीं मिला है। और यहाँ से गिरा था नीचे को, पूरा यहाँ से ढूंढते ढूंढते वहाँ नीचे तक जाके आया मैं। अब यहाँ से चलते हैं ऊपर, ढूंढते ढूंढते मिलता है नहीं भाई। ये वो दिख रहा होगा लाल सा, ये यहीं पे फंसा हुआ है। और मैं कहाँ तक ढूंढ के आया, क्योंकि उन्होंने गलत बता दिया मुझे। ये देखो, ये मिला इतनी ऊपर, यहीं पे था। और मैं कहाँ तक जाके आ गया। और पहाड़ों का क्रिकेट काफ़ी डेंजर है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर ज़्यादा सा शॉट खेला तो जाता है नीचे खड्ड में, और वहाँ से फिर टाइम लगता है ऊपर आते आते। तो अभी सारे लड़के मुझे लगता है थक चुके हैं खेलना है। मैं नहा लेता हूँ थोड़ी देर में, उसके बाद खेलते हैं क्रिकेट, क्योंकि पानी अंदर गर्म करने रखा वो ठंडा हो जाएगा। तुम दोनों खेलो है ना अनिल और का। ओह लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ, आज लाइट भी नहीं है, तो क्या चार्ज करने। जहाँ लाइट है पड़ोस के गांव में वहाँ जाना पड़ता है हमें। सो अभी देखते हैं पानी गर्म हुआ है नहीं, अंदर चलते हैं खेलो। चल भी उधर चलेगा ठीक है। पानी हो चुका है खतरनाक गर्म, बड़ा ही गर्म है भाई। इसको मैं अपना पावर बैंक भी देने वाला हूँ अनिल को, चार्ज हो जाएगा तो वो फिर ले आएगा। सर ये रखा हुआ है पावर बैंक, और इसके साथ एडेप्टर भी दे देते हैं। वहाँ पे जाने वाले हैं उस तरफ, वहाँ पे लाइट है। अभी टाइम हो रखा है 3 बजे का, और नहा लेता हूँ नहीं तो धूप जाने वाली है। इस तरफ देख सकते हो पेड़ वगैरह आ जाते हैं बीच में, और धूप चली जाती है उसके बाद। फिलहाल जल्दी से नहाता हूँ नहीं तो ठंड हो जाती है फिर। और लाइट भी नहीं है आज, काफ़ी दिक्कत होने वाली है। पावर बैंक अगर चार्ज नहीं हुआ तो शूट करने में आ सकती है हमें दिक्कत। वही अभी नहा के हो चुके हैं हम फ्रेश, और अभी टाइम हो गया 4 बजे का। नहाते हुए कम से कम हमने 1 घंटा ले लिया है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपने खेतों की तरफ, और वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे पीले पीले सरसों के फूल लगे हुए हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। और खेत कितने खूबसूरत लगते हैं जब फूल लगे होते हैं और छोटी छोटी सी हरियाली आ जाती है। वैसे मैक्सिमम विंटर अभी गए नहीं है, विंटर अभी भी है, और ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है सुबह भी शाम को भी, और बर्फ़ अभी भी गिर सकती है। पर अभी का वाला मौसम ऐसा हो गया कि कुछ सालों से मतलब बर्फ़ गिरना कम हो गई है हमारे गांव में भी। जैसे गर्मी बढ़ जाती है तो फिर धीरे धीरे जो है स्नो गिरना कम हो रही है। जब हमारे दादा परदादा की लाइफ यहाँ पे, जैसे वो कहते हैं कि कम से कम 4-4 फीट तक बर्फ़ गिरती थी इस जगह पर जहाँ पर मैं हूँ अभी, और अभी इतना चेंज आ चुका है कि इस बार जो है 3 या 4 इंच से ज़्यादा बर्फ़ नहीं गिरी है। तो देख सकते हो कितना चेंज हो रहा है मौसम धीरे धीरे, और हरियाली भी इस बार काफ़ी जल्दी आ गई है। स्नो ही नहीं थी तो फिर खेतों में घास वगैरह और जो फसल लगाई है वो जल्दी उगाती है। तो चलो दिखाता हूँ अपने खेतों की तरफ चलते हैं, उस तरफ जाएंगे हम। उस तरफ काफ़ी बड़े बड़े खेत हैं, छोटा सा रास्ता है हमारे गाँव की तरफ को, यहाँ से निकल के गाँव को रास्ता जाता है। और ये ऊपर पहला घर, दूसरा काफ़ी दूर दूर घर है, और ये सारे खेत देख सकते हैं हमारे हैं। ऊपर उस घर से नीचे हमारे हैं सारे खेत, और सबसे ज़्यादा फूल वहाँ पे लगे हैं उस खेत में। तो चलते हैं यहाँ से आ जाओगे तो भाई यहाँ से शुरू हो गए हैं देखो सरसों के फूल, वहाँ से अभी काफ़ी छोटे हैं, काफ़ी बड़े होंगे, पूरा दिखाऊंगा मैं तब आपको वहाँ तक। और इनमें काफ़ी सारी तितलियाँ भी होती हैं, अभी हमें मिलती हैं तो मैं दिखाऊँगा आपको, पर अभी नहीं है शायद। वहाँ से देखो, वहाँ चला गया आगे, और सबसे बड़े बड़े जब होंगे तब काफ़ी अच्छा व्यू आएगा इनका। ये जो सारे आपको पीले पीले फूल दिख रहे हैं, इनमें काफ़ी सारी मधुमक्खियां जो अभी मखीर का काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, जो शहद बनता है वो यहाँ से निकाल रही हैं। काफ़ी सारी मतलब यहाँ पे पूरी मधुमक्खियां ही हैं इस पूरे खेत में, पर ऐसे काटती नहीं है वो, जब फूलों से इनका इनसे आप शहद निकाल रही होती है। तो पूरे यहाँ तक अभी उनका सीजन लगा हुआ है, जैसे हर फूल पे आपको मधुमक्खी देखने को मिलेगी, यहीं से वो जो है सरसों के इस फूल से ही अभी वो जो शहद निकालेंगी। तो
पूरी मेहनत चली हुई है अभी उनकी, वो आगे तक देख सकते जितने भी खेत हैं पूरे मधुमक्खियों से भर रखे हैं। पर ध्यान से देखोगे तो और तितलियाँ अभी नहीं दिख रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा टाइम है तितलियों के लिए, अभी विंटर हैं तो जैसे ठंड कम होगी तो तितलियाँ आना स्टार्ट हो जाएंगी। गर्मियों जब गर्मियाँ बढ़ जाती हैं तभी तितलियाँ आती हैं। बाकी हमारा दिन ऐसे ही चला गया आज, और अभी थोड़ी देर में बहुत ही खूबसूरत सा हमारे यहाँ सनसेट होता है तो वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, काफ़ी अच्छा व्यू आता है तो वो देखते हैं इसके बाद। और फिलहाल आज का दिन ऐसा ही रहा और कुछ ऐसा ही रहा आज का हमारा ये वीडियो। सो अभी रात होगी तो मैं निकलने वाला हूँ कैंपिंग पे, सोलो कैंपिंग करेंगे हम अपने फॉरेस्ट के जंगल में। वो दिखाऊंगा आपको कि काफ़ी भयानक सा जंगल है हमारा, वहाँ पे अकेले जाना एक काफ़ी बड़ा टास्क है। और हम रेगुलर वो कैंपिंग की वीडियो भी लाने वाला हूँ मैं, तो रोज़ जाएंगे हम ये जो ऊपर जंगल दिख रहा है इसमें सर्वाइव करने के लिए। आपको जो पूरी लाइफ स्टाइल दिखाऊंगा अपनी कि रात को कैसे रहते हैं हम इस जंगल में, रहते हैं काफ़ी ज़्यादा गद्दी वगैरह शिकारी वगैरह जाते हैं तो वो रहते हैं इस जंगल में पूरा ऊपर ऊपर, देख सकते हो ये है हमारा जंगल पूरा। यहाँ कोई भी घर नहीं है, ऊपर बर्फ दिख रही है ऐसे दिख रहा है पर काफ़ी दूर है, ऊपर देख सकते हो बर्फ़ है अभी भी यहाँ पे। सबसे अच्छा व्यू जो है हमारा यहाँ से आता है इस छोटे लैंटर से। और आज जो गंगली अपने लिए शूज़ लेके आया है वो दिखाने वाला है हमें, कितने के पड़े? ये 650 के, ये देख सकते हो भाई स्पोर्ट्स के शूज़ हैं काफ़ी अच्छे, पर पता नहीं ये पक्के चलेंगे कि नहीं चलेंगे, मुझे ठीक ही लग रहे हैं तो ये शूज़ लेके आए आज भाई साहब। ठीक है पक्के हैं? तो भाई अभी सनसेट हो चुके हैं और ठंड इतनी ज़्यादा है, कंपन महसूस हो रहा है अभी, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। और अभी जस्ट सनसेट हुआ है और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ना स्टार्ट हो गई है, और रात को और भी टेम्परेचर जो है अभी डाउन हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ऐसे ही कल भी हम एक ब्लॉग शूट करेंगे और काफ़ी दूर जाने की कोशिश करूँगा मैं, और आज कैंपिंग को भी सोच रहा हूँ रात को जाने के लिए। और यहाँ जंगल में थोड़ा डर भी होता है, सोच रहा हूँ एक आधा बंदा जो साथ में चल पड़े, तो बनाते हैं कुछ जुगाड़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय बाय, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब ऐसे ही नेक्स्ट ब्लॉग देखने के लिए।